उनको जानकारी थी कि मैं नहीं हूँ। 6:30 बजे मैं घर से निकला, शाम को 7:30 बजे वो आ गए और बाइक जो है मेरी यहीं पे डाली थी, कपड़े उतार दी थी, वो यहाँ से ऊपर से खुले और उसको नशा वशा घुमा के और खींच के इधर ले गए। इधर यहाँ पर खींच कर लिया है ना? हाँ, यहाँ इधर लिया है, उधर भी रास्ते से। ये जो रूम है ये देखना, यहाँ पर अपराधी महिला को रात्रि खींच कर लिया है इस रूम में। हाँ, यहाँ फिर जो है उसको लागे, उसे बीड़ी सिगरेट से जलाया गया जी। उसके साथ बदतमीजी की 4-5 लोग थे जी, और थोड़ा इधर देखो, उसके साथ जो है तोड़ फोड़ करने के साथ घर में जितना भी सामान था सब ले गए, कोई नहीं छोड़ा। यूपी के बिजनौर में रायपुर सादात के रहने वाले पेंट व्यापारी मोहित कुमार ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। दिन था 14 नवंबर। शाम ठीक 6 बजे वो अपनी मम्मी और अपने 2 बच्चों के साथ धामपुर दवाई लेने के लिए गए हुए थे, लेकिन इसी बीच डॉक्टर के यहाँ देर हो जाने के कारण वो वहीं फंस जाते हैं, जिसके बाद करीब 7 से 7:30 बजे के बीच उसके घर पर 4 से 5 बदमाशों ने पड़ोसी की छत से होते हुए घर में एंट्री कर दिया। इसके बाद उन बदमाशों ने पत्नी को बंधक बना लिया और उसके बाद उसकी पत्नी के साथ तब तक दरिंदगी करते रहे जब तक वो चीखती चिल्लाती नहीं रही। आपको बता दें कि 4 से 5 बदमाश उस पत्नी को खींचकर कमरे में ले जाते हैं और अलग अलग करके कई बार उसके साथ घिनौनी हरकत करते हैं। इसके बाद व्यापारी की पत्नी को धमकाते रहते हैं कि अगर तूने शोर मचाने की कोशिश की तो तेरे साथ दोबारा भी इसी तरह से रेप किया जाएगा, जिसके कारण वो पत्नी डरी सहमी सी कुछ बोल नहीं पाती और वो चुपचाप अपने घर में पड़ी रहती है। फिर तो बदमाश घर की अलमारी का ताला तोड़ते हुए घर में रखे 25 तोले सोने के जेवर और तकरीबन 2 किलो चांदी, 1.5 लाख रुपए नगद और घर में लगी एक LED और एक स्कूटी के साथ साथ अन्य कई घरेलू सामान भी लूट कर ले गए। यहाँ तक कि जिस कमरे का ताला या अलमारी का ताला नहीं टूटा उसकी बदमाशों ने कटर से काट दिया। लूट के बाद जाते समय बदमाशों ने पीड़ित महिला को कोई नशीला पदार्थ सुंघा दिया, जिसके बाद वो घर में ही बेहोश हो गई। इसके बाद सवेरे जब महिला को होश आया तो उसने सारी घटना की सच्चाई अपने पति मोहित को बताई। इसके बाद तो मोहित अपनी पत्नी के साथ फौरन पुलिस थाने पहुंच गए। 15 नवंबर को मोहित अपनी पत्नी के साथ पुलिस थाने पहुंच जाते हैं और वहां पर वो रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। वहीं जब पुलिस ने जांच की तो मामले का खुलासा परत दर परत होते गया। जब मामले का खुलासा हुआ तो मानो व्यापारी मोहित के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। लगभग 8:30 बजे नगीना देहात पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि रायपुर सादात के एक मोहल्ले में एक मकान में शुरुआत में जो सूचना मिली थी वो मिली थी कि चोरी की घटना हुई है। उस सूचना पे तत्काल थाना प्रभारी गए, उसके समय बाद CO साहब भी गए। वो दोपहर में एक तहरीर दी गई कि घर में डकैती हुई है और घर में जो पीड़िता थी उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई है। उसके बाद घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा भी किया गया और सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया। विवेचना के क्रम में कुछ तथ्य प्रकाश में आए हैं कि जो ये पीड़िता है, पीड़िता का पिछले 10-12 साल से एक व्यक्ति जो पीछे मेरे खड़ा है पुष्पेंद्र चौधरी, इसके साथ उसके संबंध थे, उसका ये मित्र है और ये फ़ोन पे निरंतर बात करते रहते थे। विवेचना के क्रम में ये भी आया प्रकाश में, जो 19 अक्टूबर को चोरी की घटना हुई थी उस समय भी ये व्यक्ति घर पर आया था और एक लगभग इंटरोगेशन में निकल के ये आया कि लगभग 40,000 रुपये ये चोरी करके गया था। 14 तारीख की शाम को लगभग 5:51 पे पीड़िता ने इसको पुष्पेंद्र चौधरी को घर पे बुलाया, क्योंकि पीड़िता के परिजन धामपुर गए थे एक फंक्शन के लिए, तो वो धामपुर निकले और इसने घर पे बुलाया और इसने ये सारा सामान जो आपको दिख रहा है, चांदी का सामान है, जेवर है, सोने का जेवर है, कुछ घड़ियाँ हैं, करेंसी नोट्स हैं, मोबाइल फ़ोन है, LED है, स्कूटी है, ये सब इसने इसके सुपुर्द कर दी और ये सारा सामान लेके बिजनौर आ गया। विवेचना में ये भी आया है, तथ्य प्रकाश में आए हैं कि इसके ऊपर कर्जा है काफ़ी, उसको चुकाने के लिए इसने घटना पीड़िता के साथ मिल के ये की। विवेचना के क्रम में तथ्य में ये भी आया प्रकाश में कि जो चोट पीड़िता को आई है वो उसने स्वयं की है, इसके साथ मिल के की है। अभी तक की विवेचना में दुष्कर्म की कोई बात
की पुष्टि नहीं हुई है। प्राइवेट पार्ट्स में कोई इंजरी नहीं है और जो भी तथ्य प्रकाश में इनको हम लोग फर्दर कंक्लूजन पर लेकर जाएंगे और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करके उसमें शीघ्र चार्जशीट लगाएंगे और माननीय न्यायालय में पैरवी करके इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। थैंक यू। कोई सवाल आपको अगर पूछना है? कहाँ का रहने वाला सर? ये कीरतपुर थाने का रहने वाला, लेकिन फिलहाल ये बिजनौर में रहता है। पुष्पेंद्र चौधरी ये पहले अध्यापक था, ये पीड़िता भी पहले अध्यापक थी, दोनों में उसी समय मित्रता हुई। उसके बाद इसने कुछ शेयर का कुछ काम किया, उसमें इसके पास उसके ऊपर ये कर्जा हो गया इस तरह का। पुलिस के माने तो पत्नी ने खुद सिगरेट से अपने हाथ दागे थे। इसके साथ ही व्यापारी के पत्नी के खिलाफ जब जांच की गई तो जो खुलासा हुआ उसे सुनकर मोहित के भी पैरों तले से जमीन खिसक गई। पुलिस ने जब प्रेमी पुष्पेंद्र को पकड़ा तो मामले का खुलासा परत दर परत होते गया। पूछताछ में ये भी सामने आया कि ये दोनों 10 से 12 साल पहले एक ही साथ एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। उस दौरान दोनों के संबंध हो गए थे। पुलिस ने बताया कि पुष्पेंद्र के ऊपर शेयर बाजार में पैसा लगाने के बाद वो डूब गया था। उसी को लेकर वो काफी कर्जे में हो गया था और इसी की वजह से कर्ज उतारने के लिए उसने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर लूट की ये झूठी कहानी रच डाली। प्रेमी पुष्पेंद्र ने खुलासा किया कि व्यापारी की पत्नी के कहने पर ही वो बकायदा अलमारी के ताले काटने के लिए कटर लेकर पहुंचा था और कटर से अलमारी के ताले काट कर ही घर में रखा 25 तोला सोना, 2 किलो चांदी और 1.5 लाख रुपए कैश और एक एलईडी और घर में रखी स्कूटी लूट ले गए थे। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में पुष्पेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही अन्य लोगों के शामिल होने के सवाल पर भी आगे जांच की बात चल रही है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।